गुड मॉर्निंग। और आज मैं करूंगी आपके साथ फेशियल एक्सरसाइज, और फेशियल एक्सरसाइज के लिए कुछ चीजों की आपके पास जरूरत होगी, तो वो आपके पास हमेशा है। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय पार्लर और जिम बंद है, तो जो भी पार्लर जिम बंद है और लेडीज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फेशियल कहाँ कराएं, तो फेशियल जाने के लिए आपको पार्लर की कोई जरूरत नहीं है। आप घर में ये कुछ छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके अपनी स्किन को हमेशा ग्लो बना सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है कुछ फेस ऑयल होने चाहिए। फेस ऑयल में आपको फेस क्रीम या मसाज जो भी आप घर में अवेलेबल है, और सबके पास होता है कोकोनट ऑयल, बादाम ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, बादाम ऑयल, जॉनसन बेबी ऑयल, कोई भी किस टाइप का ऑयल हो आप वो अपने घर में जरूर रखिए। और नहीं हो तो एक सिंपल क्रीम से भी आप मसाज कर सकते हो। तो पहले आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, और आज मैं बादाम रोगन और देन प्लम का ऑयल है, ये सबसे बेस्ट ऑयल है प्लम का, और ये फेस ऑयल बोलते हैं इसको, मसाज ऑयल। तो आप ये अपने चेहरे पे 4 to 5 ड्रॉप्स लगा सकते हैं। और 5 ड्रॉप्स मैंने लगा लिया, और लगाने के बाद अपने हैंड को पहले बहुत अच्छे से क्लीन कर दीजिए, और कोई भी आपने एक्सेसरीज रिंग वगैरह पहनी है तो वो निकाल दीजिए, ईयर रिंग्स निकाल दीजिए जैसा कि मैंने निकाल दिया है, और फिर अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। और हैंड से अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, और पूरा नेक जहाँ भी आपको लगाना है अच्छे से अप्लाई कीजिए। और अगर आपके पास अमेजोन से, मैंने ये 3D मसाजर मंगाया हुआ है और मैंने बहुत सारे देखे लेकिन ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। बेस्ट इसलिए है कि आप इसे कहीं भी अपने हैंड पे भी कर सकते हो। बहुत सारे मसाजर आते हैं, तो आपको अगर रियली हैंड पेन या बॉडी पेन हो रहा है, और इससे जो है आप इसको कहीं भी रात में बैठ के, कहीं भी टीवी देखते हुए, कहीं भी आप बैठे हो बुक्स पढ़ रहे हो तब भी ये कर सकते हो। और इससे आप ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले आसपास, और ये सिर्फ एक्सरसाइज से, फेशियल एक्सरसाइज से पहले 5 मिनट्स के लिए करना है। लिप्स एंड देन ऑल ओवर आप जैसे भी चाहो कर सकते हो, बहुत रिलैक्स मिलता है। और नेक के पीछे जो हमारे हैंड नहीं जा सकते तो नेक के पीछे भी आप कर सकते हो। और फेशियल एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है, चाहे वो कोई भी एज का हो आप इसको फॉलो करिए, क्योंकि मैं फेशियल नहीं कराती हूँ तो वो मैं फेशियल एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूँ। और ये कुछ देर के लिए करने के बाद जो है आप इसको छोड़ दीजिए और अपने हैंड से शुरू हो जाइए। साइज 2, 5, 10 टाइम्स करेंगे और 2 रेपिटेशन में करेंगे। फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी 4-8 से, और अपने फर्स्ट फिंगर को सेप दीजिए ऐसे, और फिर स्टार्ट करिए 1 सेप ऐसे ही बनाइए, और नोज की जस्ट साइड में प्रेशर करते हुए बहुत लाइट प्रेशर देंगे, और कुछ देर होल्ड करके चीक्स पे लाएंगे, फिर अप। फिर जस्ट नोज के नीचे वाले पॉइंट पे करेंगे, जो हमारी यहाँ पे लॉकिंग लाइन बनती है, प्रेशर देंगे 1। फिर आप लिप्स के बगल में यहाँ पे होल्ड करेंगे, अपने फिंगर्स को वी शेप देंगे जॉ लाइन के लिए। खुदी के लिए एक्सरसाइज के लिए अपनी चीज को फिर है। आप अपनी नेक के लिए और 4 fingers और आप ये देख सकते हो कि सन की लाइट आ रही है, तो सबसे बेस्ट है कि सुबह मॉर्निंग की सनलाइट भी आपको मिल रही है, बहुत ही स्किन ग्लो करेगी। अपने आईज के लिए 2 फिंगर्स
और लाइट प्रेशर देंगे नोज के बगल में। आंखों के आसपास जो हम करेंगे एक्सरसाइज बहुत लाइट हैंड्स पे करेंगे, बहुत प्रेशर नहीं देंगे। और ये सारी एक्सरसाइज 2 times आप रिपीट करेंगे। उसके बाद जो है हम अपने फेस पे प्रेशर पॉइंट देंगे। प्रेशर पॉइंट के लिए 4-3 fingers का यूज करेंगे और फोरहेड के जस्ट स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रेशर देंगे, 3-5 times ये करेंगे। और कुछ देर होल्ड करेंगे और 2 times करेंगे। और ये करते समय प्रेशर देंगे, और ये टैप 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 स्किन पे, इसको करने से बहुत ज्यादा आपकी मसल्स रिलैक्स होगी। लास्ट में ये एक्सरसाइज भी करते हैं और उसके बाद जो है अपने हाथों को रब करेंगे और हीट देंगे। और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम ऐसा ये 2 times कीजिए, बहुत आराम मिलता है और बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। और इसके बाद अपने फेस पे आप जो भी स्क्रब यूज करना चाहते हैं, होममेड फेस स्क्रब यूज करना चाहते हैं, राइस का बना के आप यूज कर सकते हो। का स्क्रब मोस्टली यूज करती हूँ और इसमें थोड़ा लेमन और हनी मिला के लगाइए तो वो स्किन के लिए, टैनिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। और देन मेरे पास 4 types के ये सीट मास्क है जो कि बाजार में बहुत ज़्यादा इजी अवेलेबल है। नहीं तो आप ओट्स एंड देन बनाना का बहुत सारे पैक घर में बना सकते हैं। जब मैं वो बनाऊंगी तो आपको जरूर शेयर करूंगी। अभी मेरे पास गार्नियर के जो भी मास्क है, ये है ब्लैक सीरम है, और ये है, ये भी सीरम है, हाइड्रेट सीरम बोलते हैं, ये पोमोग्रेनेट का है। देन ये लिप्स, तुलसी लिप्स का है, और ये देन लेमन का है। तो जो भी आपके पास है वो शीट मास्क लगाइए, उसके बाद फेस को वॉश कर लीजिए, आपकी स्किन डेफिनेटली ग्लो करेगी। और मैं जो यूज़ कर रही हूँ घर में फेशियल एक्सरसाइज, मैं हमेशा करती हूँ, मैं पार्लर नहीं जाती हूँ। और वीक में आप 3 times ये कीजिए और अपनी स्किन को हमेशा ग्लो, और आप ये देख सकते हो कि फेशियल के बाद मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। अभी सिर्फ मैंने फेशियल किया है, मास्क लगाने के बाद शायद और आई थिंक टचवुड ग्लो करेगी। तो मेरी एक्सरसाइज को इसको पसंद कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको किस टाइप की मेरी वीडियो चाहिए मेरी डेली रूटीन से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और आ सकता है कि थर्ड वेव आने से कोई नहीं रोक सकता है, प्रिडिक्ट हो रहा है थर्ड वेव आएगी आएगी। तो आप प्लीज़ अभी भी आप वैक्सीन ले लिए फिर भी आप घर में रहिए, मास्क लगा के जाइए अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और वैसे प्लेसेस पे मत जाइए जहाँ बहुत क्राउड हो। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय, और मेरी वीडियो को लाइक करो।